in a peaceful way, we can discuss, we can talk, and we can resolve any matter. Beta, है ना? है ना? शांति ही समाधान है हर समस्या का. डायलॉग इज द बेस्ट मेथड टू रिजॉल्व ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑल टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स. है ना? हम अपने अपनी डफली अपना राग बजाएंगे तो नहीं होगा, है ना? तो आपको और समय चाहिए, मैं दे सकता हूँ कि बात कर लेते हैं अभी. सो लेट अस बिगिन आवर क्लास बाय चैंटिंग ओंकार थ्री टाइम्स. Listen very carefully what I'm telling, right? Today is our class, today is Wednesday, our next class is on Friday. Yes sir. Am I right? Okay. So Friday is the last date for the submission of survey analysis. Survey jama karne ka Friday is the last date. Am I right? Okay sir. Okay. और फ्राइडे तक आपको प्रेजेंटेशन भी देना है सर्वे का, ठीक है? वन बाय वन. सो दोज हु आर रेडी टुडे टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टुडे टुडे टू गिव द प्रेजेंटेशन ऑफ योर सर्वे. सर बट पीपीटी में नहीं है. पीपीटी अगर बनाया है तो पीपीटी दिखा के दे सकते हो, अदरवाइज यू कैन शो मी योर पेपर्स, अपनी फाइल को दिखाकर बोल सकते हो. सर सर मैंने सर मैंने पीपीटी के साथ रेडी किया है, पर सर मेरे लैपटॉप में नेट अच्छे से नहीं चल रहा, तो मैं थोड़ी देर बाद वो बाद में करेंगे, वो टाइम मिलेगा तो. अभी आप फाइल पेपर हाथ में ले लो एंड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सर्वे, ठीक है? सो हु विल स्टार्ट फर्स्ट? ग्रुप में किया किसी ने? नो सर. नहीं किया, ठीक है, इंडिविजुअल है. तो चलो मैं नाम लेता हूँ फटाफट. आपको ये काम फ्राइडे तक पूरा कर लेना है. जो नहीं कर पाएंगे उनके वाइवा के 5 मार्क्स चले जाएंगे, बाकी मार्क्स मिलेगा. तो इट इज पार्ट ऑफ योर वाइवा. जो दोगे प्रेजेंटेशन आप, ये वाइवा का पार्ट है आपका. सो आई एम टेलिंग यू, आर यू रेडी? आरव कुमार मीना, अनुभा जैन, अनुजराज साहू, अक्षा, हरचित, आर्यन, एरी? नो सर. एरी नो. देवांशु, धवल, ध्रुव, दिव्य. दिव्य आर यू रेडी? यस सर. सर मैं बोल स्टार्ट. सो कैन आई प्रेजेंट? हाँ प्रेजेंट यू सर. The screen is visible? हाँ visible. ओम श्री साई राम. You can to the table. बहुत अच्छा काम किया आपने. टेलीमार्क डाटा कलेक्शन. गुड, वेरी गुड. डाटा एंड प्रोग्राम. सुनो बेटा, ऑल ऑफ यू देख लो दिव्य ने कैसे काम किया है. इस तरह से सबको प्रेजेंट करना है, ठीक है बेटा? गो अहेड. यस सर. डाटा, वेरी गुड. पिक्टोग्राफ, ग्राफ, गुड. बार ग्राफ, बार ग्राफ. ओके बेटा स्टॉप प्रेजेंटिंग. सर प्रूफ? हां बेटा ठीक है ठीक है ठीक है, रहने दो. स्टॉप प्रेजेंटिंग, स्टॉप कर लो आप. स्टॉप कर लो बेटा. दिव्य हाँ, नाउ टेल मी दिव्य. दिव्य यस सर. फोन रखो. हाँ बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा? जल्दी जल्दी बोलना है सर. दिस सर आप बोल रहे हो वाइवा? सर वाइवा सर मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी पर मैंने वाइवा. इसका मार्क्स हो कैसे कैसे है? कंटेंट का 5 मार्क्स है. Inquisitiveness, how curious you are, how readiness you are showing, इसके 5 मार्क्स है.
प्रेजेंटेशन का 5 मार्क्स है और वाइवा का 5 मार्क्स है, तो प्रेजेंटेशन का आपको 5 मार्क्स मिल गया, ठीक है। यू आर इन उसके 5 मार्क्स मिल गया आपको, कंटेंट भी आपको बहुत अच्छा है, 5 मिल गया। वाइवा का बोलो, वाइवा का 5 मार्क्स चाहिए तो फ्राइडे को ले सकते हो वाइवा। व्हाट इज डाटा? ओके लास्ट क्वेश्चन, बेटा सर मैं वो व्हाट यू मीन बाय बार ग्राफ? बार ग्राफ सर क्या सर हम मेरा वाइवा उधर पूछ सकते हैं फ्राइडे को? चलो ठीक है ओके। दिव्यांश आर यू रेडी? हेमंत, हेमलता? यस सर हेमलता रेडी? हेमलता Who said yes, sir? Sir, Divyansh ne kaha. Divyansh, ha Divyansh. Are you ready? You are yes, presenting? Sir. Ha, start presenting. Sir, presenting nahi hai, sir. Achha, dikhao. File dikhao. Can you show your file? Sir. Camera on karke file dikhao. Camera on karke file dikha sakte ho na aap? Page dikha sakte ho mujhe? Sir, ऐसे करके फाइल दिखाओ अपनी, ऐसे ऐसे मैं दिखा रहा हूँ ना, ऐसे फाइल दिखाओ अपनी। यस सर। सर मेरी फाइल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ी सी रह रही है बस। क्यों बोल रहे हो? तो फ्राइडे लास्ट डेट है, फ्राइडे के बाद टाइम नहीं मिलेगा आपको। हाँ यस सर। ओके दिव्यांश के बाद हेमंत, हेमलता, जानवी, जिया, महेश, महिमा, मनस्व, मानव, मेहक, पायल। यस सर। पायल रेडी? नो सर महक। महक रेडी? ओके स्टार्ट। सैरम सर। सैरम बेटा वेरी गुड। महक देखो जो लोग समझते, कब से बता रहा हूँ कैसे करना पड़े, तभी समझ में नहीं आता आप लोगों को, क्या बताया जाए। उसने स्टॉप शेयरिंग कर दी। क्यों है? महक? यस सर। हाँ व्हाट हैपेंड? यस सर टैली मार्क्स, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, ओके, एक्नॉलेजमेंट, टेल मी योर टॉपिक, प्लेसेस, 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 विच प्लेसेस डू यू चूज? जापान, लंदन, पेरिस, दुबई। ओके, ओके बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? Yes, sir. What do you mean by data? Data is a table where we collect the information where the people where people want to go most play, more. Data is not a table. Data we collect. I mean okay, that. Okay. Whatever the work you have done, this comes under which branch of mathematics? Sir, repeat. All this work you have done, you collected data, you presented it, you got information. This comes under which branch of mathematics? Okay. Do you know about, have you heard the term statistics? No. No?
I didn't tell you in the class, during the class, any time, anyone. Yes, sir. Which thing? Statistics. सर आपने बताया. ये चैप्टर का नाम मैंने कहा था ना कि मैं नया नाम रखता हूँ बेटा, इसका नाम रखूंगा से स्टैटिस्टिक्स. यस सर आपने बोला था. अंदर स्टैटिस्टिक्स बेटा. चलो कोई बात नहीं. चलो वन मोर क्वेश्चन बेटा. ओके. मैक. यस सर. व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी? रिपीट. फ्रीक्वेंसी. ओके. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सर, उसमें हम अपना डाटा कलेक्ट करते हैं. यू हैव टू एक्सप्लेन इन वन और टू सेंटेंस बेटा. चलो लास्ट क्वेश्चन. व्हाट हाउ विल यू एक्सप्लेन बार ग्राफ? व्हाट इज मीन बाय बार ग्राफ? यस सर. व्हाट डू यू मीन बाय बार ग्राफ? बार ग्राफ शोज द bar graph shows the how bar graph shows bar graph shows that how many people chosen the. Okay, bar graph comes under collection of data or presentation of data. Presentation of data. Okay, good, very good. ठीक है बेटा. Stop presenting. Payal, Pranav Yadav, are you ready? Sir, sir. Yes, sir. हाँ, start. Sir, मैं आपको camera on करके दिखा दूँ. हाँ हाँ, बिल्कुल करो बेटा. Sir, sir, आप मेरे को बायवा, sir, आप मेरा बायवा Friday को ले रहे हो, यही final था. तुम्हारे वाइवा में फाइनल हो गया बेटा, और कम मार्क्स तुम्हारे कम कराने हैं तो बोलो, फ्राइडे को भी तैयार रहना. सर क्या आप अभी थोड़ी देर बाद ले सकते हैं मेरा वाइवा? अभी थोड़ी देर बाद क्यों? सर नहीं, आप फ्राइडे की क्लास में ले लीजिए मेरा वाइवा. ठीक है, फ्राइडे को दे देना. यस सर. बोलो प्रणाम. हाँ बेटा, कैमरा ऑन करो. Yes, sir. Yes, show me your file. Very good. Author camera pass law file ko. Or pass. Yes, beta, good. Aur bhej dena mujhe, hai na? Sabhi log, aaj class khatam hone ke baad, apna file, hai na? PDF bana kar ya picture khich ke, aap mujhe bhej dena, beta. Hai na? All of you. Yes sir. Yes. Friday the last. Sir, bar graph भी बनाना. हाँ बेटा, दिखा दिया आपने. So you made the bar graph also. प्रणाम. No sir. What was your topic? What? Sir, sports. हाँ, sports. So which sport you choose? Sir, badminton, cricket, football, volleyball, basketball. Okay. So which game was liked by most of the persons? How many people you surveyed? Sir, total 40. 40, very good. So how many, most of the people liked which game? Sir, cricket. Cricket, achha, very good. Cricket, how many people liked cricket out of 40? You can see your file. बार ग्राफ देखो, सीधा बार ग्राफ में देखो, पता चलेगा क्रिकेट के सामने कितने लोगों ने, कितने लोग हैं आपके सामने क्रिकेट में. सर 24 पीपल. अच्छा, मतलब मोर देन 50%. चलो ठीक है. ओके गुड. ओके बेटा, सो कैन यू डिफाइन बार ग्राफ प्रणव? Sir, means? What do you mean by bar graph? Why, beta, pranav? Okay. Yes, sir. What is data?
डाटा विच वी कलेक्शन द मोस्ट पीपल ऑफ इंफॉर्मेशन. डाटा इज अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. व्हाई डू वी गैदर डाटा? सर वी फाइंड व्हाट दे लाइक. ओके लास्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? ओके बेटा थोड़ा बुक को पढ़ो है ना. बुक को पढ़ेंगे ना चैप्टर को तो आपको ये सारे सवाल जवाब मिलेंगे आपको उसके अंदर. तो रीड द चैप्टर वंस. ओके आफ्टर प्रणव प्रांजल प्रवंशिका. यस सर. हाँ प्रवंशिका रेडी. गुड स्टार्ट. गो अहेड प्रवंशिका. यस सर. सर कैन यू सी माय? यस बेटा यस इट इज विजिबल. यस प्रवंशिका विजिबल बेटा विजिबल. योर टॉपिक वाज फूड. फूड सो व्हिच फूड आइटम्स यू चूज? छोले भटूरे समोसा डोसा पाव भाजी. दिखाते बोलते जाना है सर. आई डिड अ सर्वे टू नो विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल. ऐसे बोलते रहो और बताते रहो फटाफट. अदर्स कैन फॉलो. समझ आ रहा है? हां क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके फूड आइटम क्या कहते हैं आपका? छोले भटूरे. एक मिनट रुकना. हां समोसा डोसा पाव भाजी. अच्छा 1 2 3 4 फूड आइटम्स चूज. ओके बेटा गुड वेरी गुड. सो पिक्टोग्राफ. हां हां ठीक है बेटा. सो व्हिच फूड आइटम वाज लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल? समोसा. समोसा क्या बात. समोसा. हाउ मेनी पीपल लाइक समोसा मोस्ट? 25 पीपल. एंड हाउ मेनी पीपल सर्वेड? यस सर. टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड 50 पीपल. 50. ओके वेरी गुड वेरी गुड वेल डन. बाय सर. दैट इज द कंक्लूजन है ना. कंक्लूजन में मैंने कहा था ना. वेरी गुड बहुत अच्छा. राइट नाउ वाइवा what is a bar graph? what do you mean by bar graph? देखो बेटा हमारे पास मैंगो रखा हो. मैंगो खाया बहुत अच्छा लगा. पूछे what is mango? can you tell me 1-2 sentences about mango? तो बता सकते हैं ना. sir mango is a fruit. it is called king of all fruits. it is very juicy, tasty, delicious. you can say like that. ab aapko acha okay sir. aapne pura kar liya aur aapko pata hi nahi what is pictograph, what is bar graph, what is data, what is frequency, kuch pata hi nahi. to kya matlab hua, kya sikha humne fir? isliye bhaiwa le rahe hai na aapka. bolo pravanshika. yes sir. a bar graph is a chart that plots data using rectangular bars or columns that represent the total amount of observation in the data of the category. okay very good. how do we calculate bar height? yes sir. how do we calculate bar height in a bar graph? bar height kaise nikalte hain? stop kar do. stop presenting. ओके प्रवंशिका व्हाट डू यू मीन बाय डाटा? हाउ डज टैली मार्क हेल्प अस? हाउ डज टैली मार्क हेल्प अस? अपना आंसर दो जो तुम्हें समझ में आता है. बुक में मत जाओ. दिमाग पर जोर लाने की जरूरत नहीं है. हमने सर देखा है सीखा है किया है बेटा. क्लास में किया है आपने किया भी काम है. टेलीमार्क्स आपको हेल्प किया नहीं किया टेलीमार्क्स ने? सर टेलीमार्क आर टॉट टू स्टूडेंट एज अ वे टू कलेक्ट डाटा टोटल एज वेल एज कीपिंग प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल. उसमें हेल्प करता है हमें है ना. डाटा क्लासिफाई करने में हेल्प करता है टेलीमार्क.
अगर लार्ज डाटा हो तो हम गिनती करके तो परेशान हो जाएंगे, पहले मार्क का हेल्प करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, 2 घंटे काम किया, थक गए, चाय पिया, कॉफी पिया, फिर 2 घंटे और बैठेंगे, तो जहाँ तक हमने काम किया था वहां तक हम टिक लगा कर रख चुके हैं ना, क्रॉस करते हैं ना, कट करते हैं ना, फिर वहां से आगे बढ़ सकते हैं। अगर लार्ज डाटा हो, 3-4 दिन हमें काम करना हो, तो गिनती करके तो हो ही नहीं सकता हमें, तो छोटा छोटा तो हम लोग गिनती कर लेते हैं, है ना बेटा। हाँ, तो वहां पर हेल्प करने बैठेंगे बहुत हो जाएगा, मच हेल्पफुल बेटा, है ना। लोग उल्टा काम करते हैं, गिनती कर लेते हैं, टैली मार्क बना देते हैं, इससे कोई मतलब तो हुआ नहीं। टैली मार्क का पर्पस है, वो हमें हेल्प करता है गिनती करने में, है ना, अराइव आने में, कंक्लूजन आने में। गुड, वेरी गुड, गुड प्रवंशिका। चलो नेक्स्ट, पुलकित, आर यू रेडी? नहीं, पूर्वशी, राजू, रुद्र, संदीप, शालू, सुमितेश, तन्मय, तन्मय आर यू रेडी बेटा? नो सर। नो, तो फ्राइडे भी रेडी बेटा, है ना, फ्राइडे सर, यस सर, फटाफट, है ना। वेदांश आर यू रेडी? यस सर, आई एम रेडी। यस सर, आई एम Yes, sir, I'm starting. Yes, good. Sir, can you see? Yes, it is visible. Okay, sir. To start, say your topic. Sir, can I see? This survey is about most liked movie among these 5 options which are given below. Movies are Avengers, Endgame, Dangal, Avatar, Frozen, and The Jungle Book. Jungle Book. Survey paper. This survey is about most like me. These are the names of people and their sign. Okay. How many people you surveyed, beta? Sir, total are 50. 50. Okay, 50 people. Good. You know, you are getting an idea how census is done. You know, after every 10 years. भारत की जनगणना होती है, पूरे लोगों की गिनती की जाती है, पूरे देश में गिनती होती है और उनका बड़ा सा डाटा तैयार होता है, भारत सरकार करती है ये, है ना। और ये कौन सा ब्रांच करती है पता लगा मुझे बताना, भारत सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट सेंसस का काम देखता है, ठीक है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। यस सर। सर रिपीट क्वेश्चन सर, डाटा कब हुआ था? एक मिनट बेटा, वेदांत रुकना, रहने देना, मतलब है ना, लास्ट टाइम व्हेन वाज द सेंसस डन एंड व्हेन विल इट टेक प्लेस नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम? सर इस साल होने वाला है। इस साल होने वाला है, वेरी गुड 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 गुड, बहुत सर। लास्ट बार 2011 में हुआ था, 2011 में। व्हाट वाज योर कंक्लूजन विदांस? यस सर। कंक्लूजन, व्हाट डिड यू, व्हाट कंक्लूजन डिड यू गेट? बढ़िया, अच्छा बनाया आपने सर। सर अवेंजर्स एंड गेम इज लाइक बाय 18 पीपल्स, अवतार इज लाइक बाय 5 पीपल्स, द जंगल बुक इज लाइक बाय 7 पीपल्स एंड दंगल इज लाइक बाय 10 पीपल्स एंड फ्रोजन इज लाइक बाय 5 पीपल्स। सो व्हिच मूवी वाज लाइक बाय मोस्ट ऑफ द पीपल? अवेंजर्स एंड गेम। अवेंजर्स, ओके गुड, ओके स्टॉप प्रेजेंटिंग, नाउ आंसर माय क्वेश्चंस। What do you mean by range of data? In statistics, the range of a set of data is the difference between the largest and smallest value. Highest value minus lowest value. Highest score minus lowest score. Yes, sir. Range. Range. Okay. What do you mean by frequency? Frequency is the number of people or anything which we get after making frequency distribution table. Number of times a data number is called its frequency. जैसे अभी आपने Avenger 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 आपको 5 बार आया, तो what is the frequency yes, of Avenger? 5 हो गया, है ना? So that is called frequency, है ना? Okay, have you heard the name cumulative frequency? Cumulative no sir. अच्छा, ट्राई टू फाइंड आउट। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोग्राम? हैव यू हर्ड द नेम हिस्टोग्राम? नो सर।
यस सर, पढ़ना चाहिए हमें, है ना बेटा, थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, है ना, इट शुड बी आवर हैबिट। ओके वेदांश, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी डाटा? लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन रॉ डाटा? सर रॉ, सर व्हेन इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड randomly and roughly, then it is called raw data. Very good. From raw data, do we get useful conclusions? Yes, sir. No, beta. Useful नहीं मिलते. We cannot get unless until we arrange data either in the table or in the form of pictograph or bar graph. We are not able to get. Yes, sir. Sir, we will get useful things after arranging the raw data. Yes, yes. So, last question. What define statistics? Sir, statistics is the branch of science which deals with the collection and interpretation of numerical data. Very good, 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 good. Well done. Well done, beta. Thank you, sir. विराट साहू, अच्छा बेटा देखो, अच्छा व्हेन शुड वी हैव एमसीक्यू टेस्ट, कब रख लें? सर नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वेडनेसडे, सॉरी नेक्स्ट वेडनेसडे, ठीक है। यस सर, अभी लिख लो डेट, लिख लो डेट, बता दो कोई उस दिन का डेट बताओ। सर सर अगला वेडनेसडे आ रहा है सर, फ्राइडे के मंथ में आ रहे हैं। आज 27 है तो काउंट कर, 31 जनवरी संडे, संडे है तो मंडे हो गया कितना, गूगल फॉर्म, ठीक है? यस सर, आप एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, लिख दूंगा, ठीक है, गुड। तो विराट इज रेडी? नो, एनीबॉडी एल्स इज रेडी? सर मतलब वाइवा रेडी नहीं है, कर सकते बेटा, फाइल दिखाओ ना मुझे, फाइल दिखा सकते हो? यस सर, फाइल दिखा सकते हैं। हाँ, नाम बोलिए अपना, मानव। सर मानव, सर मतलब वाइवा में फ्राइडे को बोल सकता हूँ? नहीं बेटा, अभी बोलना है सबको, बोलना ना, अभी लेना है। नो सर, फिर रेडी नहीं हूँ। ठीक है, हम फ्राइडे। तो सर आपका दूसरा प्रोजेक्ट कैसे दिखाना है आपको? क्या बेटा? सर आपका वो मिट्टी वाला प्रोजेक्ट नहीं है, वो क्यूब क्यूबर्ड वाला? मिट्टी वाला देखो, मैंने बताया था ना, उसका आपने अगर पिक्चर खींच लिया है, अगर वीडियो बनाई है, तो आप मैम से पूछ के मैम को भेज दो, है ना? तो मैंने, तो मैंने जो क्लिप्स आपको सेंड कर दिए वीडियो बना के। हाँ, एक दो बच्चों ने भेजा है, मैंने बताया मुझे, वीडियो जो है ना बना के मैम को दे दो, इट इज अ पार्ट ऑफ योर आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी का पार्ट था बेटा, है ना? सर बट आर्ट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। सुनो ना, मैम से पूछ करके, है ना, अगर मैम को चाहिए तो भेज देना, मैम ने मना किया तो मत भेजना उनको, ठीक है? बाकी अपने पास रखो। यस सर, कुछ बच्चों ने भेजा था 3D शेप्स का, तो लगे थे पीपीटी में। ना वीडियो मुझे भेजो। सर फोटो कैसी थी वो भेज दे। वीडियो भेजो, फोटो नहीं चाहिए मुझे, वीडियो बना। सर मैंने वीडियो भी भेज दी। सर मैंने वीडियो भी भेज दी। इन्फॉर्मेशन बताते हुए और आप डिस्प्ले करता हुआ दिखाता हुआ वीडियो बनाओ और वो मुझे भेजो, ठीक है? यस सर। एनीथिंग एल्स? गुड, नाउ लेट अस बिगिन न्यू चैप्टर टुडे।
ओके एलजेब्रा माय स्क्रीन एलजेब्रा है ना सी योर स्क्रीन बेटा माय सी माय स्क्रीन नो सर नो विजिबल नहीं है नो अभी आ जाएगा यस सर आ गया सर विजिबल आ गया ये चैप्टर नंबर 11 है ना अलजेब्रा है ना सो अलजेब्रा यस बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू आस्क यू वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैव यू एवर लर्नड अलजेब्रा व्हेन यू वर वेरी स्मॉल किड बहुत छोटे थे नो सर यस सर नहीं यस सर पढ़ा है पहले बचपन में से जब भैया थे ना तो पढ़ते रहते थे तो मैंने पूछा मैथ्स में एक्स क्यों आया तो उन्होंने कहा एलजेब्रा का फॉर्म है अच्छा गुड 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 आपका आंसर होगा नो आई डिड नॉट लर्न अलजेब्रा व्हेन आई वाज अ किड व्हाट इज अलजेब्रा यू कैन आस्क व्हाट इज अलजेब्रा है ना यू कैन सी दिस किड इज हैविंग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल होते हैं नंबर वेरिएबल होते हैं इक्वेशन इसको बोलते हैं इक्वेशन हु विल डिफाइन इक्वेशन Define equation. Sir, it's type of question. नहीं भाई. Sir, it's like a formula. Sir. Okay, but I can say you. You have learned algebra. Sir, can I? Sir, can I? Equation is a condition on a variable. Now listen me. But I can say you. You have learned algebra when you were a small baby, and your mother started calling you Chitki. Duggu, Vetu, Baba, Aisa. Do you know from where these names came? No, sir. Mama ne bula, Duggu, where are you? Aap turant bolte, yes, mama. Ye Duggu, Tuggu, Ruggu, aisa naam rakh diya. Jabki, hai na, aap ho, aise naam kitne bachchon ko ho sakte hain. Hai na? Since you were unnamed that time, आपका कोई अच्छा सा नाम नहीं हुआ था एंड योर मदर वांटेड टू इंटरेक्ट विथ यू शी नीडेड सम वेरिएबल टू एड्रेस यू कुछ तो वेरिएबल चाहिए जिससे तुमको एड्रेस कर सके है ना एंड शी स्टार्टेड कॉलिंग यू बाय दीज नेम्स यू लर्नड दैट इट वाज योर नेम आपने समझ लिया ये मेरा नाम है एंड यू स्टार्टेड गिविंग रिस्पॉन्स मम्मा को विथ स्माइल मम्मा ने बुलाया डुगू वेयर आर यू यस मम्मा हियर आई एम So I became a variable named Duggu. आपका एक नाम हो गया डुग्गू इट कैन बी अ वेरिएबल डुग्गू नाम से कैन बी द नेम ऑफ योर नेम समवन इन योर नेबरहुड उनका नाम भी हो सकता है किसी और बच्चे का नाम हो सकता है हाँ जी सिमिलरली इन मैथमेटिक्स वेन वी रिप्रेजेंट नंबर कोई भी नंबर ले लो 2, 3, 4 विथ सम अदर नेम्स लाइक ए B, C, X, Y, Z, P, Q, R, these are called variables. Variables and constants form a term and terms are added to form algebraic expressions. Okay, beta? So, when we use variables to represent certain values, we deal with algebra. Hum algebra ke saath kaam kar rahe hain. Hai na? Aiye, beginning of algebra. ये तुम्हारे बुक में बुक से मैंने लिया है आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको पढ़ना है इस पूरे है ना ये आपको बुक का लिया है मैंने बुक खोल कर तो पढ़ना एंड आस्क मी एनी क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम ओके आपको छोड़ रहा हूँ शॉर्ट में बता दीजिए अलजेब्रा के बारे में पहले आप पढ़िए ना सर सब कुछ मेरे पे छोड़ेंगे आप यू कैन नॉट रीड रीड इवन ये हिस्ट्री आपके बुक का ही लिया हुआ है बुक में बुक दिखाऊं क्या नो सर नो सर बुक दिखाऊं बुक देखो आप बुक देखो मैं बोल रहा हूँ तो आप उतना करना भी सीखो बेटा थोड़ा देखो ये पेज नंबर 240 दिस बॉक्स बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चन मिल गया हाँ ये आपको पढ़ने के लिए मैं कह रहा हूँ बेटा पढ़िए थोड़ा सा एंड देन यू कैन discuss in the next period okay हाँ जी है ना तो अब आइए मान लो आपको ऐसा मैस्टिक का पैटर्न बनाना है ध्यान से देखो ऊपर दिख रहा है फिगर सी बनाना है मैस्टिक तो देखो एक सी बनाया मैंने तो हाउ मेनी मैस्टिक वाज यूज्ड
लगा बेटा, ऐसा दो पैटर्न दो सी बनाना था, तो कितना मैस्टिक लग गया? ऐसे ऐसे पैटर्न को हमको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे मुझे अगर 50 सी बनाना है टेबल देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ सी फॉर्म अगर वन तो नंबर ऑफ सी कितने लग रहे हैं? थ्री, टू, थ्री, नाइन। तो सिमिलरली अगर हम इस तरह से बढ़ते जाएं, तो अगर हमें एन पैटर्न बनाना है, एन 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 सी बनाना है मान लो, तो कितना हो जाएगा? थ्री टू, और इसको हम लिखते हैं 3n = 3n. अब n के बदले हम, अब एक रूल बन गया हमारे पास, ये रूल बन गया हमारे पास, अगर मुझे 10c का पैटर्न बनाना है तो n का वैल्यू 10 रख दो, तो 3 × 10 हाउ मेनी मैचिंग लगेंगे? 30. तो अलजेब्रा इज ऑल अबाउट मेकिंग रूल्स यूजिंग नंबर्स एंड लेटर्स, एंड such combination is called literals. So, दो पार्ट होते हैं. सिमिलरली यहाँ बताइए, ये एफ बनाना हमें है, तो नंबर ऑफ मैस्टिक का रूल क्या बनेगा? मैस्टिक सर 4 लग रहे हैं, 4 क्या रूल बनेगा? 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 ×
इक्वल टू फोर एन इंटू साइन छिपा होता है एन एन क्यों आता है एन एन ले सकते हैं फॉर नंबर ऑफ फिगर्स नंबर ऑफ एफ के लिए लिया एन एम ओ पी क्यू एक्स वाई जेड एज यू विश यू कैन टेक अगर कोई सा भी कोई सा भी ले सकते हो सर एन सर ये जो एन इनटू एक्स हां नंबर ऑफ मैचेस है एन ले लिया हमने है ना यस सर 4 वाई भी लिख सकते हैं ना सो चलिए एक और करते हैं मान लो नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड 1 एंड टोटल कॉस्ट लगता है 5 रुपए एक बुक मिलता है एक बुक खरीदते 5 रुपए लगता है टू बुक खरीदने कितने लेंगे 10 रुपीस 10 रुपीस 10 रुपीस 4 में 25 कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा तो एक रूल बन जाता है हमारा है ना तो बना 5m सर एक डाउट है गलती से लिख दिया 5n तो वो मार्क्स कटेंगे ना मतलब गलत होगा ना 5 इनटू m लिखना है बेटा 5 के पास ही m लिख रहे हैं ऊपर लिख दिया मतलब ऐसा नो सर मतलब जैसे नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर्ड इधर एम लिखा हुआ है और नीचे है ना वो ही लिखा है बट अगर अपन ने 5 n कर दिया तो वो गलत मान जाएगा एम दिया वेरिएबल तो एम पर लिखेंगे ना पर चेंजिंग यस सर नाउ सी बेटा सो 5m 5m में दो टर्म है बेटा एक m है m इज कॉल्ड वेरिएबल m इज कॉल्ड कांस्टेंट 5 इज कॉल्ड कांस्टेंट m इज कॉल्ड वेरिएबल सो इन अलजेब्रा वी यूजिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स वी डील विद द नंबर्स एंड सो है ना अलजेब्रा हमें हेल्प करता है टू फाइंड एनी अननोन क्वांटिटी कोई भी अननोन क्वांटिटी है अगर हमें रिलेशनशिप पता है मान लो मैं बोलूं देखो मैं बोल रहा हूं आई एम अ नंबर मैं बोल रहा हूं बेटा सुनो ध्यान से आई एम अ नंबर माय 4 टाइम इज 16 व्हाट एम आई आई एम अ नंबर मैं नंबर हूं पता नहीं तो मैं मान लो यू आर एक्स एक्स इज अ वेरिएबल नहीं पता ना तो वहां पर अपन काम आता है एंड
माई फोर टाइम, फोर से मल्टीप्लाई करना, मैं 16 हूँ. सो व्हाट इज व्हाट एम आई, इसका वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? 4x. 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 16. So, 4x is 16. ये जो 4x is equal to 16 आया, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन. ये पूरा वेरिएबल कांस्टेंट और 4x जो है इसको अकेले बोलते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. When we combine variables and constant with plus, minus, into, division, that is called an expression, algebraic expression. And when an expression के साथ में is equal to sign आता है, that becomes equation. We'll talk it later on also. ठीक है बेटा? तो पहले समझिए variable और constant. Variable और constant. Yes, sir. Algebra हमें क्या करता है? एक रूल देता है. देखो आपको कैसे, जो मैंने बताया था, मैं एक नंबर हूँ, एक रूल दे दिया और रूल से हमने नंबर निकाल लिया, है ना. तो कहीं भी अननोन क्वांटिटी हो, रिलेशनशिप पता करके हम निकाल सकते हैं उसको बेटा. तो 5m, यहाँ 5 इज ए कॉन्स्टेंट, m इज ए वेरिएबल. ओके, सो व्हाट इज ए वेरिएबल, यू कैन नोट डाउन, वेरिएबल इज ए लेटर और सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स एन अननोन क्वांटिटी. जैसे अभी हमने बताया था, आई एम अ नंबर, माय 4 टाइम्स इज 16. तो अननोन नंबर को आपने क्या लिया था, अभी x लिया था, है ना बेटा, है ना. x इज अ वेरिएबल. व्हाट इज अ वेरिएबल? इट इज अ लेटर और सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स एन अननोन क्वांटिटी एज x, y. जनरली स्मॉल लेटर लेते हैं, आप कैपिटल भी ले सकते हो, बट मोस्टली वी टेक स्मॉल लेटर. स्मॉल a, b, c, स्मॉल जरूरी होते हैं, मोस्टली वी टेक स्मॉल लेटर बेटा, है ना. ओके सर, मोस्टली वी टेक स्मॉल लेटर्स. ओके, और सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं पता है किसको? x को यूज करते हैं, x, क्योंकि जब कोई आता है ना, अच्छा में कॉमन होता है, मोस्टली बेटा लेते हैं, जरूरी जरूरी नहीं है. किसी को होता है ना, हाँ वो कौन आया था, हाँ मिस्टर x, x, y, z को आया था, ऐसा बोलते हैं कभी बोलने में, है ना. सर x का y मोस्टली यूज होता है. हाँ बेटा ठीक है. सो वेरिएबल्स सर, क्योंकि जो अपने बायोग्राफ की जो रेज होती है ना, वो एक्स रे और वाई रे होती है. अननोन था पहले, शुरू मालूम नहीं था, तो एक्स रे नाम रख दिया था, रोहिणी ने डिस्कवर किया था, है ना. वेरिएबल्स कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज बेटा, ये इसका वैल्यू डिफरेंट हो सकते हैं, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल है. वेरी मतलब जो चेंज हो, व्हिच कैन वेरी, व्हिच कैन चेंज. दे हैव नो फिक्स्ड वैल्यू, इनका फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, है ना. जैसे अभी 5m था, तो m रहते हैं उनकी वैल्यू, का वैल्यू अगर 1 आएगा तो 5 बन जाएगा, 5 हो जाएगा वैल्यू. 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 2 10. इस तरह से m का इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है. m का वैल्यू 0 हो क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू 0 बन जाएगा, ठीक है. बट कांस्टेंट इट इज ए नंबर विच इज ए फिक्स्ड वैल्यू, इसका वैल्यू फिक्स होता है. 5 का वैल्यू 5 ही रहेगा, है ना बेटा. 5 मतलब 5. सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट, बोलो. अभी नो सर. सर मुझे वेरिएबल और कांस्टेंट, मतलब जैसे जैसे 5m लिखा था सर, ये समझ नहीं आया कि 5 कांस्टेंट हुआ क्यों और m वेरिएबल क्यों हुआ. इस 5m में अगर मैं 5 का वैल्यू बदल दूं तो पूरा ये जो रूल ही चेंज हो जाएगा. लेकिन m के बदले में y यूज कर लूं, p यूज कर लूं, k यूज कर लूं, तो सर तब रूल चेंज नहीं होगा. सो m इज अ फिक्स नंबर है, फिक्स वैल्यू इसका है, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट. और m का वैल्यू वेरी करेगा, m का वैल्यू यहाँ पर अलग अलग आ सकता है. मान लो अभी m का वैल्यू यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 है ना बेटा. m का वैल्यू अगर हम दे देंगे 10 तो कितना हो जाएगा वैल्यू, बताओ आप ही. m का वैल्यू अगर 10 दे देंगे, सर 10m है ना. सो वेरिएबल इज अ लेटर और सिंबल, है ना, it has no fixed value. Okay, and constant, it is a number mostly which has a fixed value. उसका value fixed है बेटा, इसका value change नहीं होता, constant है, constant मतलब fixed सीधा, ठीक है. सर तब हम लोग 10, सर तब हम लोग जैसे लिख रहे होते हैं 10m या फिर 10n, तो 10 और n के बीच में gap नहीं होना चाहिए ना. नहीं, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए. 10 लिखा और 20m लिखा, बीच में इनटू का साइन यहाँ पर है. अब यहीं पर ये चेंज हो सकता है, 10 प्लस m लिखना होगा तो 10 प्लस m,
तो प्लस करेंगे वैल्यू, माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। अब कोई साइन नहीं तो मतलब इनटू का साइन है, इसके बीच में इनटू का साइन ऐसे हिडन होता है, टेन इनटू एम। कोई भी वेरिएबल और कॉन्स्टेंट, मान लो हमने लिखा एक्स एक्स, तो एक्स इनटू एक्स है, यहाँ पर इनटू साइन भी पीछे हिडन हिडन है, बाकी साइन लिखा रहेगा, इनटू साइन छुपा हुआ रहेगा बेटा, है ना? कोई डाउट है? एक बार वापस वही वाली स्लाइड दिखा दीजिए, है ना? दिस स्लाइड सर, जिसमें वेरिएबल और कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन है। यस सर। ओके, अब कुछ क्या हम वैल्यू निकालना सीख लें थोड़ा। मान लो एक हम रूल दे रहा हूं मैं, ठीक है बेटा, रूल लिखा हुआ है ए प्लस बी, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी व्हेन ए इज इक्वल टू माइनस एट एंड बी इज इक्वल टू थ्री। बताओ क्या वैल्यू होगा ए प्लस बी का? माइनस फाइव। माइनस फाइव, वेरी गुड। माइनस एट था, माइनस एट को ब्रैकेट में रखेंगे, जब भी नेगेटिव वैल्यू हो ना ब्रैकेट में रखा करो, याद रखो। यस सर। प्लस का वैल्यू कितना है? थ्री। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस एट, ये ऑलरेडी ओपन है, प्लस थ्री प्लस माइनस प्लस माइनस फाइव आएगा, बड़ा एट है, साइन उसका रहेगा। यस सर। है ना? चलो ऐसे आप निकालो, दिखाओ, एक और मैं दे रहा हूँ, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, थोड़ा सा मिटा लो, टाइम कितना है, टाइम बताना मुझे। सर 1247। नो सर नहीं है। नहीं है ना? इसका क्लास नहीं है ना आपका? नो सर नहीं, वो सर नहीं। थोड़े से पढ़ा लो आप 5 मिनट। यस सर पढ़ा लो। यस सर। यस सर पढ़ा लीजिए। गुड गुड गुड। अच्छा निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, b है ये, ठीक है, व्हेन a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 3। सर ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा हम करके लिखा था सर 28। नहीं यार गलत निकाला। देखो मैं तुम्हारा सब कर रहा हूँ, स्क्वायर का मतलब a इनटू 13। नहीं बेटा देखो सर 15 अभी सर a स्क्वायर मतलब 5 इनटू 5। हाँ तो क्या हो जाएगा ये 5 इनटू 5 5 इनटू 5 25 हो जाएगा सर 25 हो जाएगा 2 इनटू a का वैल्यू 2 इनटू 2 इनटू 5 2 इनटू 5 इनटू 3 3 इनटू 3 2 इनटू 5 ये समझ नहीं आया। अच्छा बेटा ये 2 ए बी बीच में प्लस माइनस इनटू को दिख रहा है, मैंने भी क्या बताया? नो सर नहीं दिख सर, हिडन रहते हैं। 5 मतलब 5 इनटू एम, बीच में इनटू साइन है, ठीक है, तो 2 इनटू ए इनटू बी मतलब तो 5 5 जा ओके सर 25 ये हो जाएगा 30 है ना, 30 प्लस 9 आंसर आ जाएगा 64। यस सर करेक्ट 64 आ रहा है। तो एक और बार दूसरा भी दो। चलो लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस 5m प्लस 3 व्हेन m इज इक्वल टू माइनस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस 5m प्लस 3 व्हेन m इज इक्वल टू माइनस 2। सर माइनस 10। नहीं है, गलत आ रहा है सर, प्लस 10 प्लस 13 सर माइनस 7 सर प्लस 13 सर 13 ठीक है सर प्लस 8 सर प्लस 7 है सर आगे समझ सर प्लस 8 माइनस सर माइनस 5 इनटू एम मतलब माइनस 5 इनटू माइनस 2 तो इसका आंसर माइनस माइनस प्लस वैल्यू 10 हो जाएगा। ये इनटू इनटू में बताया था मैंने 10 प्लस 3 आंसर विल बी 30 सर करेक्ट।
चलो सो प्रैक्टिस मोर सच 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 क्वेश्चंस ओके, आपको प्रैक्टिस करना है। अब यार 10.1 11.1 देखो, एक्सरसाइज 11.1 ध्यान से देखिए, आपको रूल बनाना है यहाँ पर। टी बनाने के लिए क्या रूल बनेगा बताओ? आप मैस्टिक के लिए एम ले लो, एम फॉर मैस्टिक एम, तो क्या रूल बनेगा बोलो यहाँ पर? सर 2m, 2m, सर 2m, इसके लिए क्या बनेगा? 2m, 2, 3m, 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 सर यू के लिए भी 3m, 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 ओके, सर जी के लिए भी 3m, 3m, होमवर्क करना है, बुक में ही पेंसिल ले लो, पेंसिल से बुक में लिखना, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, होमवर्क दे रहे हैं आपको। सर ई के लिए 5m, अरे भाई सुनो बेटा, आप सुनते नहीं आप लोगों, आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 11.1, यू कैन आल्सो डू 11.2 आल्सो कर सकते हो, ठीक है, कोशिश करना 11.1 11.2 है ना, यू ट्राई, विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास, ओके बेटा? यस सर, ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में क्या आप वो लेंगे जिन लोगों की प्रेजेंटेशन नहीं हुई है सर्वे की? आज मैंने क्या किया सर? वही किया और एलजेब्रा पढ़ाया थोड़ा सा, इसलिए पढ़ाना पड़ा मुझे क्योंकि आप लोग चुप हो गए, अगर आप लोग प्रेजेंटेशन देते तो आज मैं कुछ भी नहीं पढ़ा पाता सर, है ना? आप सर दोनों काम हो गया, थोड़े बच्चों का वो भी हो गया और एलजेब्रा भी थोड़ा पढ़ लिया। नहीं फ्राइडे को जो नहीं देंगे उनके 0 marks, आई नो नथिंग, ओके सर। हाँ और नेक्स्ट वेडनेसडे को आपका एमसीक्यू है ना, उस दिन भी एब्सेंट हो जाओगे तो 0 marks, ठीक है, और फिर हमें बीच में पढ़ते भी रहेंगे बेटा, है ना? यस सर, ओके। एमसीक्यू में ज्यादा सॉल्व करने वाले क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना? ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, छोटा मोटा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पेंसिल और पेपर लेके। सर वो सर आपने पहले भी बैठना, हाँ पेंसिल पेपर लेके बैठना, ठीक है, रफ करना पड़ेगा। यस सर, मेरा प्रेजेंटेशन तो मतलब उसका रेडी था मैथ सर्वे दिखाने का, बट क्वेश्चंस थोड़े सही से याद नहीं थे, इसलिए मैं रेडी होके फिर फ्राइडे को दिखाऊंगा। गुड गुड, ठीक है सर, मैंने याद कर लिए थे जितने भी वो थे। शांति पाठ, शांति शांति शांति, हाय राम, हाय राम सर, बाय सर, राम सर, थैंक यू सर, बाय सर, मिस्टर रिकॉर्डिंग, एनीबॉडी, हाय राम सर, बाय सर।